यूपी ट्रिपल एस सी जेई यूपी पी एस सी ए और पी सी एस सी एग्जाम जितने सारे एग्जाम यूपी में होता है, तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। यानी बीजेपी गवर्नमेंट यानी योगी सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई में 4,000 मतलब 4,300 प्लस पोस्ट हैं, वहीं यूपी यूपी पी एस सी ए में बस चल ही रहा है, कभी ना कभी दिन वैकेंसीज आ जाएंगी, तो उस पर भी डिस्कस मैं करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि पेपर डे बाई डे लीक होता जा रहा है, जैसे कि नीट का पेपर हुआ, यूजी नीट का हुआ, यूपी पुलिस यूपी पी आपकी यूपी पी एस सी ए आर ओ के ऐसे बहुत सारे पेपर लीक हुआ, तो उसी पे गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है गाइस। जेई 2024 का तो प्री हो चुका है, मेंस के लिए अगर तैयारी करना चाहते हो चयन बैच और सीबीटी टू बैच आउट हो चुका है, जो आपको 499 रुपये में मिल जाएगा सीबीटी एस्पिरेंट के लिए, और 1,000 फीस है बट 499 रुपया चयन बैच मिल जाएगा। और एसएससी जेई सीबीटी टू सेट टेस्ट सीरीज़ भी नीडेड पड़ेगा, जो 99 रुपया में है, और एसएससी जेई सीबीटी टू एस्पिरेंट के लिए आपको अगर इसको डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज करना है DPK250, आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए एसएससी जेई 2025 के लिए फाउंडेशन बैच की बात किया जाए, जो 2025 में नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो 2699 रुपया में मिल जाएगा, और अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो ऑफ़र में आपको मिल जाएगा, कोड यूज करना है, डिस्काउंट मिलेगा DPK250। उसके बाद बात करें फॉर ऑल ए जे एग्ज़ाम अशोका 2.0 बैच, जिसमें आपको बैच सी है, 3299 रुपये में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच, जैसे कि पता है कि आरआरबी जेई का वैकेंसीज आने वाला, तो 2499 रुपये में मिल जाएगा फॉर द आरआरबी जेई एस्पिरेंट। उसके बाद बात ये कर्तव्य बैच की बात किया जाए, 3999 रुपये में मिल जाएगा यही जेई फॉर 2 ईयर वैलिडिटी कोर्स के साथ। अब जैसे कि आप कॉलेज सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, या थर्ड ईयर में हो, जैसे बीटेक या डिप्लोमा स्टूडेंट जहाँ पे भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये दो ईयर्स का ये कोर्स ले लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि कॉलेज के साथ पढ़ाई होगा, कॉलेज की आपके सिलेबस भी कवर हो जाएंगे, और यहाँ एग्जाम के भी यही उन जेई एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी जेई भी पता है कि 4,000 प्लस वैकेंसीज आई है फाउंडेशन बैच, जो सिविल के लिए 1,999 रुपये फॉर द यूपी ट्रिपल एस सी जेई एस्पिरेंट के लिए। बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर मिलेंगे, सब कुछ बेस्ट है यहाँ पे। उसके बाद चाणक्य बैच भी BBOD जो इसे नॉन टेक्निकल बैच यही जेई के लिए 999 रुपये में, कोड यूज करना है DPK250 फॉर कोर्सेज फॉर ऑल ए जेई एग्जाम एस्पिरेंट। उसके चाणक्य बैच भी BBOD जिसमें आपको टेक्निकल मिलेगा 1,999 रुपये में, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे मिलेंगे। और जैसे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर, जैसे SSC जेई RRB जेई DDA जेई NHPC जेई और भी बहुत सारे हैं, जैसे बेस संदेह एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, लेक्चर विल बी डिलीवर इन बोथ लैंग्वेज, क्लास नोट DPPA एंड DPPA सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर बाई इंडियन बेस्ट फैकल्टीज़, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, आप देख सकते हो। उसके बाद RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन CBT 1 एंड CBT के लिए 999 रुपया, कंप्लीट बैच विद द टेस्टेड टारगेट कोर्स फॉर ITI BTech डिप्लोमा एस्पिरेंट, कोड यूज करना है DPK250 और आपको ऑफ मिल जाए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूरा बैच को खरीद सकते हो, फटाफट जाइए। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो भाई गवर्नमेंट यूपी में बहुत तेजी से सब कुछ काम कर रही है, जैसे कि पता है कि आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई में कल 360 वैकेंसी 5 डिपार्टमेंट में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसका भी एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि पेट के थ्रू तो आपको हो गए, बट अब एग्जाम में कंडक्ट होगा। अब उस एग्जाम के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है वीडियो में देखिएगा, वहीं पे बात किया जाए UPSC ए में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं के चप्पे चप्पे पे होगी निगरानी, और इसको कई फेज में उन्होंने बना दिया है, जैसे फेज 1 फेज 2 फेज 3 करके बनाया है, और स्टेशन के 10 किलोमीटर के अंदर सेंटर होगा, बस स्टैंड के 10 किलोमीटर पे सेंटर होगा। अब आप जैसे एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा नहीं पेपर लीक हो जा रहा है, तो सेंटर होगा, और बताया जा रहा है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस मंडल में रहते हो, उस मंडल में आपका एग्जाम नहीं होगा, दूसरे मंडल में भेजा जाएगा। बट एक चीज मेरा योगी सरसाए दूसरे मंडल में भेजोगे जब, तो क्या जो स्टूडेंट जाएगा उसका पैसा खर्च नहीं होगा, रहने का खर्च नहीं होगा? इतनी ट्रैफिक होती है यूपी में, हालत खराब हो जाती है, एक इसका कौन पैसा देगा? ये सब तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। आप भेज दोगे, आप तो ले लिए, पेपर लीक होना है तो यूपी में कहीं भी पेपर होगा वो लीक कंफर्म हो जाएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद सब कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रेस में मोबाइल ले जाने पे प्रतिबंध है, जांच के बाद परीक्षा की अनुमति, टीचरों की ड्यूटी 30 मिनट पहले, और एजेंसी चयन में गोपनीयता, जो एजेंसी चयन होगी वो गोपनीयता रखेगी, कौन सी एजेंसी एग्जाम ले रही है इसका कोई भी डेटा नहीं दिया जाएगा। ये योगी सरकार ने खुद ट्वीट किया है, योगी गवर्नमेंट ने खुद ट्वीट किया है
भर्ती परीक्षा पेपर लीक से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्र बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और कोषागार में 10 मिनट के अंदर होगा। इसके साथ ही केंद्र को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए और जो भी आपको मिलेगा टेंडर वो 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और शहर की आबादी के अंदर ही होना चाहिए। वहां जाने के लिए सड़क के साथ यातायात साधन की व्यवस्था ही परीक्षा केंद्र के भवन मंडरीवाल पेयजल शौचालय के साथ ही बिजली और जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। सीसीटीवी भी चालू हालात में होना चाहिए। डीएम के अध्यक्षता में समिति बनाकर ये श्रेणी ए में क्या होगा, श्रेणी ए की बात किया जाए जिसमें राजी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज और राजकेंद्र और विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक इंजीनियर और मेडिकल कॉलेजों को रखा गया है, ठीक है। श्रेणी बी में इस श्रेणी के खात प्राप्त सुविधा संपन्न एंड एडेड कॉलेजों को रखा गया है। कॉलेजों के केंद्र में बनाया जाएगा, काली सूची पे विविध स्कूल कॉलेजों को नहीं बनाया जाएगा। ये सारी इनकी है, इनका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में टेक्निकल अंडर स्कोर एग्जाम में डाल दूंगा। देखो ये सारी चीजें चप्पे चप्पे 4 लाख से ज्यादा परीक्षाओं दो, देखो UP 333 जेई का एग्जाम होगा तो उस पर भी आपको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आपको पता है कि 300 वैकेंसी UPSC यही पे भी वैकेंसीज आने वाली है, विद इन 1 मंथ आ जाएगी। ये जो भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा निर्देश है, जो कि PCS और ARO का एग्जाम होने वाला, तो उसके लिए किया गया क्योंकि पेपर लीक हो जाता है जैसे कि आपको पता है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा व्यवस्था, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था नहीं है, पेपर लीक कैसे नहीं होता, पेपर पूरी गवर्नमेंट की जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे बड़ा काम करती है। ये सब चीजें कितना भी कर लो ना, पेपर लीक होना होगा तो लीक होगा ही होगा। आपको बस मुझे लगता है कि आपको ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहिए, ऑनलाइन में थोड़ा सा फायदा हो जाता है ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। ऑफलाइन में उमार सीट का ये बहुत सारी चीजें हैं बताए उन्होंने, पक्का मैं सारा डिटेल मैं अपने उसमें डाल दूंगा। बट ये है कि आपको यूपी में वैकेंसीज विद इन 1 ईयर बम्पर वैकेंसी देखने वाला है, चाहे आपकी पंचायती राज हो या टीचर्स को हो या पटवारी हो या इंजीनियर्स हो या JEE हो असिस्टेंट इंजीनियर हो, क्योंकि इलेक्शन भी है अगले 1-2 सालों में। और जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको इलेक्शन लोकसभा वाला हुआ वो वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट को हार मिली है ना, उसको तो सीखने के बाद ये गवर्नमेंट ने समझ चुकी है कि यार स्टूडेंट के साथ हम नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं। जो भी वैकेंसीज विद इन दो, जो भी चीज़ें हो रही हैं को रोको तभी कुछ हो सकता है। तो भाई यही है कि यार देखो JEE में वैकेंसीज है, UPSC JEE में विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर आ जाएगा एग्जाम, उसका दिसंबर तक मान के चलो होने के चांसेस हैं। बाकी पंचायती राज जल निगम इन सारी चीजों में वैकेंसीज आ रही हैं, ओके। तो बम्पर वैकेंसीज आएंगी, बम्पर तरीके से होगा, पेपर लीक को गवर्नमेंट रोकेगी और एक अच्छा एजेंसी को देगी, सारी चीजें एक बेहतरीन तरीके से होने वाला है यूपी में। जो गवर्नमेंट का देखो यार, योगी सरकार कर सकती है, इनमें पावर है, पोटेंशियल है, योगी जी बहुत मतलब क्या करें, जो चीज़ चाह लेते वो होता है, बट अगर इन पे फोकस कर लो तो यूपी में बहुत कुछ हो सकता है, बट आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। तो इन सारी चीज़ों का है, बहुत बड़ी बात है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस, ऐसे वीडियो के लिए अभी के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, UPSC JEE के लिए, UP SSC JEE के लिए, पंचायती राज के लिए और भी आपकी ऐसी वैकेंसीज पाने के लिए। बाकी थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।